हम बात करेंगे लोरस लेव लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 312 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.43% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो कंपनी में काफ़ी कुछ यहाँ पर अपवर्ड देखने को मिला था। पहले कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर अगर अपन बात करें 818% तक यहाँ पर कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। और फिर पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ गिरावट भी आपको इसकी स्टॉक की प्राइस में देखने को मिल रहा है। यानी पिछले कुछ समय के अंदर 54.10 की गिरावट भी इस स्टॉक में देखने को मिली है। अगर अपन बात करें, कंपनी यहाँ पर मेडिकल सेक्टर के अंदर काम कर रही है, जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती है और जो नए इनोवेशन है वो भी कंपनी प्रैक्टिकली यहाँ पर करती है। अभी कंपनी को लेकर एक अपडेट आई है और आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस गिरावट का रीज़न और किस प्रकार से ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि करेक्शन के अंदर आपको अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक आपको स्टॉक अगर अच्छी बाइंग प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ से अगर अपवर्ड रैली आपको इस स्टॉक की प्राइस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसके कारण यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसी स्टॉक से होने वाला है। अगर अपन बात करें इस गिरावट का रीज़न, तो जैसे कि अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2023 तक कंपनी के रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने यहाँ पर कंटिन्यूसली अपवर्ड ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले दो सालों से फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आपको हल्का सा घटता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जून, सितंबर, मार्च और दिसंबर कंपनी के पिछले चार क्वार्टर के अंदर पहले दो क्वार्टर के अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद लास्ट के दो क्वार्टर के अंदर डाउनवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो चारों क्वार्टर के अंदर जून के बाद आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर डाउनवर्ड ही देखने को मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट का रिजल्ट है जो क्वार्टर टू क्वार्टर आपको डाउनवर्ड देखने को मिला, वैसे वैसे कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है। और ये कोई पहला स्टॉक में आपको ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी जिस भी कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है जिसमें डाउनवर्ड आपको देखने को मिलता है, उसमें जो इन्वेस्टर है वो अपने क्वार्टरली स्टडी करता है, तो उसके अंदर यहाँ पर अपना जो अमाउंट है उसको सेल ऑफ भी करता है और उसी हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी करता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर कंपनी का जो करेक्शन है उसका मेन रीज़न कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स है। अभी अगर बात करें कंपनी को लेकर अपडेट जिसके कारण यहाँ पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीवेगर रिटर्न भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो है कंपनी को लेकर जो अपडेट आई। अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया है लोरस लेव रिसीव USFDA टेंटेटिव अप्रूवल फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट पेडेट्रिक ARV ओरल डिस्पेरेबल फिल्म ड्रग 5mg एंड 10mg इन HIV/AIDS ट्रीटमेंट। यानी जो HIV की जो ट्रीटमेंट है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर HIV की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए 5mg और 10mg की जो कंपनी है वो यहाँ पर वर्ल्ड की जो फर्स्ट पेडेट्रिक उसके लिए जो है ओरल डिस्पेंसिबल है उसके लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, अप्रूवल मिला है कंपनी को, तो इसके लिए यहाँ पर कंपनी जो है काम करेगी। और ये 5mg और 10mg की जो है कंपनी ये जो है टेबलेट्स बनाएगी। और अगर बात करें द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग विद द HIV आर एस्टिमेटेड अराउंड 24 लाख्स। तो यानी इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 24 लाख्स के आसपास जो HIV के जो पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा ये आपको देखने को मिल। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर 38.4 मिलियन, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। यानी इसके अंदर यहाँ पर जो वर्ल्ड के अंदर 38.4 मिलियन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर जो ड्रग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इसके लिए देखने को मिली, तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है जो विदेश के अंदर भी इसकी सप्लाई जो है आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी बड़ा ये आपको आने वाले समय के अंदर काफ़ी बड़ी आपको इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, और उसके कारण आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। यानी काफ़ी फ्यूचर के लिए अगर ये कंपनी के लिए ये प्लान अगर सक्सेसफुल होता है और कंपनी एक्सपोर्ट अगर टेबलेट्स करती है, तो ऑब्वियसली आपको आने वाले समय के अंदर काफ़ी बड़ा मुनाफा इस स्टॉक से देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन में भी यहाँ पर कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर रही है और कंपनी जो सिचुएशन है काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी के अगर रिजर्व की बात, मार्च 2019 के अंदर कंपनी के पास टोटल रिजर्व 1451 करोड़ का था, वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और मार्च 2023 के अंदर कंपनी का टोटल रिजर्व 3929 करोड़, यानी कंपनी का रिजर्व आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग से आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली इक्वली देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 27.27 और लास्ट क्वार्टर मार्च 2023 के अकॉर्डिंगली भी 27.27। यानी कंपनी के पिछले चार क्वार्टर से नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग इक्वली आपको देखने को मिली है। उसी के साथ फॉरेनर्स की अगर बात की जाए तो उनकी भी होल्डिंग
जून सितंबर दिसंबर और मार्च क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली बातें हैं कि फॉरेनर्स की स्टॉक स्टेक यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है। और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो उनका स्टेक तो मार्च के बाद में 7.95 से बढ़कर 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो पब्लिक का स्टेक यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउनवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 के अंदर 42.35 की स्टेक था, वो मार्च 2023 के अंदर 40.64, यानी पब्लिक का माल यहाँ पर कम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और प्रमोटर्स ने अपना 1% माल नहीं बेचा है, फॉरेनर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक का स्टेक आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर को लेकर अगर बात करें तो कंपनी को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यह मिल सकती है, और विदेश के अंदर भी कंपनी जो अपने सप्लाई है वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट बहुत बड़ा मात्रा में कर सकती है। और अगर बात करें HIV के पेशेंट्स की, तो ये इनकी संख्या कंटिन्यूसली आपको वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज होती हुई, क्योंकि चार्ट पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक कॉन्स्टेंट रूप से इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो यानी कंपनी अगर इस यहाँ पर एक मोनोपोली बिजनेस भी आपको क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत ले। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्ट।